गाइस, खाना बनाने के आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला गैस के ऊपर खाना बनाना और दूसरा इंडक्शन स्टोव के ऊपर खाना बनाना। गैस का एक सिलेंडर लगभग 1000 रुपये तक पहुंच गया है, तो ऐसे में गैस के ऊपर खाना बनाना सस्ता पड़ता है या फिर इंडक्शन स्टोव के ऊपर खाना बनाना सस्ता पड़ता है, आपको सब कुछ बता देंगे। आप तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिए। तो इंडक्शन स्टोव पे बहुत सारे बटन्स होते हैं जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और इसी वजह से ये बहुत सारे ऑप्शंस देता है, जैसे कि मिल्क वाले ऑप्शन के साथ इंडक्शन स्टोव पर दूध उबलकर गिरता नहीं है। अगर 4 लोगों की परिवार की बात की जाए तो एक सिलेंडर 1000 रुपये का है जो लगभग 40 दिन तक चलता है, ये मानते हुए कि नाश्ता, लंच, डिनर और 2 टाइम की चाय बनती है। और इसके हिसाब से एक दिन का खर्चा 25 रुपये आता है, और वही दूसरी तरफ 1500 वाट के इंडक्शन स्टोव के ऊपर यही काम किया जाता है तो बिजली के 4 यूनिट खर्च होता है, और 5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लगभग एक दिन का खर्चा 20 रुपये तक आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सो आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और इस इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए अक्षय कुमार सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अंटिल देन, मिलते हैं अगली वीडियो में।